कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस द्वारा उपमंडल मुख्यालय पत्र में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष बामन देव ठाकुर ने की। प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं द्रंग कांग्रेस प्रभारी राकेश चौहान और जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया विशेष रूप से मौजूद हुए। इस दौरान एसडीएम पदर शिव मोहन सैनी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से उठाई गई। किसानों के हितों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन काले कानूनों का जगह जगह पर विरोध हो रहा है। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द्रंग कांग्रेस किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन करती है। जब तक केंद्र सरकार इन किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो विचारधारा और कार्यशैली हमेशा आम लोगों के प्रति, किसान, बेरोजगार, युवाओं के प्रति सदा रही है और हमेशा उनके हित के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज तक के अपने कार्यकाल में जो है वो काम किया। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमारे सभी ब्लॉकों में जो किसान विरोधी बिल, तीन काले कानून जो आए उसके विरोध में और किसान के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा कि इन काले कानूनों को जो है वो केंद्र सरकार जो है खत्म करे या उसमें कोई अमेंडमेंट लाए, ताकि जो इतना लंबा एजिटेशन आज के हमारे जो अन्नदाता किसान लोग परिवारों के साथ लगातार 3 महीने होने जा रहे हैं, एजिटेशन पे बैठे हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इस कानून के तहत जो किसान धरना प्रदर्शन पर गए हैं, जो ये आंदोलन चला हुआ है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। इस हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, जो भी आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी उसका पूरा समर्थन करती है। धन्यवाद। आज जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के विरोध में जो तीन कानून बनाए हैं, उसका ना केवल कांग्रेस पार्टी अपितु पूरा विपक्ष और कांग्रेस, किसान कांग्रेस, चाहे मजदूर है, चाहे वो हमारे बेरोजगार है, युवा है, वो भी उसका विरोध करती है। किसान जो है आज 70 दिन से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पे धरना प्रदर्शन उनका जारी है। और आज बड़ी विडंबना की बात है, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, आज इस गुंगी बहरी और निर्दयी सरकार ने जो है किसानों के ऊपर उन्होंने पानी की बुछारें जो है इस ठंडी मौसम में जो है की है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है। आज भी कांग्रेस पार्टी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्रंग द्वारा माननीय एसटीएम कार्यालय और एसटीएम माध्यम से जो है महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया। और हम मांग करते हैं कि ये तीनों कानून जो इसको तुरंत निरस्त किया जाए और किसानों के जो है आंदोलन है उनसे बातचीत की जाए। और जो किसान आज इस ठंड में जो है जगह जगह पर जो है प्रदर्शन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी इसका जो पुरजोर समर्थन करती है। द्वारा माननीयवर महामहिम राज्यपाल जी को एसडीएम पद्धर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में तीन काले कानून किसान विरोधी लाए हैं। द्रंग कांग्रेस कमेटी उन कानूनों का पुरजोर विरोध करती है, उसी लिए हमने आज सब लोगों ने इकट्ठा होकर के माननीय एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। और जो किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर इस कानून के विरोध में एजिटेशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, द्रंग कांग्रेस कमेटी उनका भी समर्थन करती है और सरकार से हमने मांग करी है कि जल्द से जल्द इस कानून को खत्म कर दिया जाए।